तो आज मैं देखने के लिए यहाँ बेसिक आया हूँ कि हीरा मंडी बेसिकली है क्या। इंडिया के डायरेक्टर संजय लीला बंसाले ने पूरा 200 करोड़ लगा के एक मूवी बनाई है और उस मूवी को इतना पुराने दौर के जो है यहाँ पर महलात हैं, घर हैं पुराने दौर के, जिनके नीचे अभी दुकानें बन चुकी हैं, बाकी सारा जो है ना पुराना ही दौर है सारा। अच्छा, ये आप देख सकते हो ढोल यहाँ पर बन रहे हैं। अरे वो अरबी सैल में भी आती है आपको बजाने। हाँ, मैं आपको वो वाली गली दिखाने लगा हूँ जिसको बोलते हैं निकाह वाली गली, यानी यहाँ पर से अगर मर्द गुजरे और एक साइड से औरत तो बीच में सिर्फ निकाह का फासला रहता है और कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेरा नासिब एंड वेलकम टू माय चैनल खट्टे मीठे व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अच्छा यार, आज जैसे कि आपको पता है मैं आया हूँ लाहौर, और लाहौर आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं जैसे टिकटॉक ऑन करता हूँ या यूट्यूब ऑन कर रहा था तो मुझे जस्ट एक ही वीडियो के, एक ही मूवीज़ के चर्चे मिल रहे थे कि आखिर इस मूवी में है क्या, ये मूवी किस बात के ऊपर बनाई जा रही है। एक ही चल रहा था, हीरा मंडी, हीरा मंडी, हीरा मंडी, इन चर्चे हीरा मंडी के थे, डायमंड बाजार के थे। तो आज मैं देखने के लिए यहाँ बेसिक आया हूँ कि हीरा मंडी बेसिकली है क्या, हीरा मंडी में क्या ऐसा था जो इसके इतने चर्चे, इसके ऊपर एक प्रॉपर मूवी। इंडिया के डायरेक्टर संजय लीला बंसाले ने पूरा 200 करोड़ लगा के एक मूवी बनाई है और उस मूवी को इतना प्रमोट किया जा रहा है, तो उस मूवी के लिए मैं भी आ गया लाहौर हीरा मंडी में। और मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं हीरा मंडी है जो कि स्टार्ट यहाँ से होती है, और ये रहा वो बरतानवी दरवाज़ा जो बिल्कुल मेरे पीछे है, जो बरतानवी सरकार ने अपने टाइम पे जो इसको ओपन किया था, यहाँ से एंट्री हुआ करती थी। अब आपको बताते हैं कि हीरा मंडी, इसका नाम, ये हीरा मंडी किस नाम से बना और ये किस नाम से इस तरह फेमस आगे चली। ऑल्सो नोन एज तरसाली गेट, ऑल्सो नोन एज हीरा मंडी एंड ऑल्सो नोन एज रेड लाइट एरिया, ये तीन नामों से ये फेमस हुई, मशहूर हुई। लेकिन जो इसका बेसिकली नाम था वो जस्ट एक हीरा मंडी था, और इसको शाही मोहल्ला भी कहा जाता है। 16वीं सदी से 17वीं सदी तक यहाँ पर जो बिगड़ों नवाबजादे थे, बिगड़े नवाबजादों को यहाँ पर लाया जाता था और उनकी तरबियत यहाँ पर हुआ करती थी। अब तरबियत कैसे, अदाब और तहजीब सीखने के लिए उनको यहाँ पर हीरा मंडी में भेजा जाया करता था। यहाँ पर कथक, क्लासिकल डांस और एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ तमीज़ तहजीब सीखने के लिए उन लोगों को भेजा जाता था कि आप लोग जाएं यहाँ पर, यहाँ पर आपको तमीज़ सिखाई जाती थी, क्योंकि हीरा मंडी में एक तवायफ़ों का डेरा था। तवायफ़ें जो हैं वो लोगों को तमीज़ और तहजीब सिखाया करती थी कि आप लोगों ने तमीज़ से कैसे चलना है। और ये बिल्कुल शाही किले के सामने था, ये आप देख सकते हो, ये एरिया था एंट्री का और यहाँ से स्टार्ट होती थी हीरा मंडी। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के सारे महल्लात। और ये जो हीरा मंडी पुराने दौर में हुआ करती थी, 1900 से पीछे की बात है, जो कि अब बन चुकी है एक फूड स्ट्रीट। ये देख सकते हो, ये सारे हीरा मंडी के घर थे जहाँ पर तवायफें ऊपर खड़ा होकर डांस वगैरह किया करती थी और यहाँ पर उनका रक्स हुआ करता था। ये सारा एरिया उनका ही था जो कि अब एक खाने पीने की होटल्स में जो है ना कन्वर्ट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, हीरा मंडी कोई बैड वर्ड नहीं है, हीरा मंडी बाद में जाके बदनाम हुई अंग्रेज़ों के दौर से। हीरा मंडी एक जस्ट तवायफों का एरिया था जहाँ पर शेर व शायरी, अदाब व तहजीब और रक्स हुआ करते थे और संगीत हुआ करते थे, जस्ट और कुछ नहीं। बाकी इसको बाद में बदनामी का नाम मिला, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे मिला और क्यों मिला। पहले आप ये हीरा मंडी का विज़िट करें। ये है जी हवेली होटल, जो कि तवायफों के दौर में नहीं, उस टाइम पर शाही महल जो मेन बड़ा था ना वो कहलाया जाता था, वो है ये। ये आप देख सकते हो पुरानी दौर की, जो यहाँ पर आपको शीशे वगैरह और ये चीज़ें मिल सकती हैं, देख सकते हो। और ये रही कितनी प्यारी सी चांद गाड़ी, इसमें बैठ सकते हैं? नहीं, नहीं?
आ चुके हैं यहाँ से बाहर और ये हम आपको दिखाते हैं। ये तो शाही मोहल्ला था, ये सारा ही शाही मोहल्ला था, लेकिन जो बड़ी बड़ी तवायफ़ें थी ना, जो नवाबजादे यहाँ पर आया करते थे, वो ये मोहल्ला ये वाला था। अब हम लोग इसके बाहर जा रहे हैं जहाँ पर मतलब छोटी मोटी तवायफ़ें जो है ना अपने छोटे मोटे नवाबों के साथ इंजॉय किया करती थी, मींस के इंजॉय से मुराद रक्स किया करती थी, संगीत गाया करती थी और उनके गाने सुनाया करती थी। तो ये पुराने दौर के जो है यहाँ पर महल्लात हैं, घर हैं पुराने दौर के, जिनके नीचे अभी दुकानें बन चुकी हैं, बाकी सारा जो है ना पुराना ही दौर है सारा। और ये रहा जी लाहौर का मशहूर फज्जा पायों वाला, जिसके बड़े चर्चे सुने आप लोगों ने, और ये है फज्जा पायों वाला। आज मैंने फर्स्ट टाइम इसको विज़िट किया, देखा है इसको। और ये रहा ताजमहल, स्वीट समोसे सैंडविचेस, यानी ये जो है ना सारा हीरा मंडी जो है ना अभी खाने पीने के बाजार में ना कन्वर्ट हो चुका है। और हमारा बंदा कहाँ गवाच गया, आ जा। ये रहा जी बड़ा फज्जा सिरी पाया वाला, अब पता नहीं मशहूर वो था कि ये था, ये हमें नहीं पता। और ये मतलब खाने पीने का सारा ही बाजार यहाँ पर आपको मिल जाता है। कैमरामैन्स भी आए हुए हैं, कैमरामैन। और ये रही फारी फोर सिटी, जो कि यानी ये मेन बाज़ार जो ना आपको हीरा मंडी का ही बाज़ार आपको मैं दिखा रहा हूँ सारा। और ये देखें यहाँ पर अभी तक वो दुकानें मौजूद हैं जहाँ पर ढोलकियाँ वगैरह बनती हैं, यानी यहाँ पर आपको ढोलकियाँ वगैरह जो पहले रक्स वगैरह के लिए हीरा मंडी में यहाँ से जाया करती थी ढोलकियाँ, यहाँ पर अभी तक वो बन रही हैं। और ये सारी ढोलक की दुकानें हैं, वो भाई बना रहे हैं ढोल, वो देखो अच्छा। ये आप देख सकते हो ढोल यहाँ पर बन रहे हैं। और ये सारी दुकान है यहाँ पर आपको वायलिन बांसुरियाँ और उसके अलावा काफ़ी ढोलकियाँ वगैरह मिल सकती हैं। अच्छा ये देखिए वो खाल है जो कि बकरों की, वो होती है बकरे की खाल। अच्छा जी ये भाई बना रहे हैं, अभी हम चलते हैं आगे। भाई क्या दिखाने वाले हो आप हमें? अच्छा चलाएं जी आपको दिखाते हैं, भाई एक चीज़ दिखाने वाले हैं हमें। अच्छा जी ये भाई हमें लेकर आए हैं एक शॉप पे। अच्छा ये है, ये अरेबिक बजाते हैं ना अक्सर, हाँ अरेबिक वगैरह। यहाँ पर क्या कहते हैं? तुम गरारी। अच्छा तुम गरारी, ये अक्सर अरेबिक जो है ना अपनी, अरे आपको आती है ना भाई, आपको बजा के भी दिखाते हैं भाई। और ये देखो ये भाई, अच्छा ये नट कस रहे हैं आप, सही। अच्छा ये भाई की दुकान है, आप देख सकते हैं ये तबले वगैरह पड़े हुए यहाँ पर और काफी चीजें माशाल्लाह यहाँ पर जो है ना मौजूद है। अब इसको भाई जो है ना टाइट कर रहे हैं ताकि इजीली बच सके। और ये देखो कितनी प्यारी भाई छोटी छोटी ढोलकियाँ। अच्छा जी ये भाई अब बचाने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जी, स्टार्ट करें। ओके आहा, वाह वाह कमाल है यार कमाल है। अच्छा ये तो आप ये इस स्टाइल में बजा रहे हो, बाकी ये वो अरबी स्टाइल में भी आती है आपको बजाने? हाँ वाह कमाल है भाई, ग्रेट हो गया जबरदस्त। वाह यार मजा आ गया, सच में बहुत ही मजा आ गया है। आपको चैनल ये मैंने देखना है आपका, मैं आपको जरूर, ये आपने ब्लॉग देखना, ये तकरीबन कल या तो परसों बेशक परसों परसों तक तो लाजमी है। और मेरा टाइम जो है ना एक है 7:07 पे,
शाम को 7:07 पे व्लॉग आता है। हाँ 7:00 और आप लोग भी देख लें, 7:07 पे मेरा व्लॉग आएगा, लास्ट में देखिएगा। और अब भाई को अपने आईडी लिख दे ताकि वो भी देख सके। अच्छा यार, एक छोटा सा हमारा भाई था जिसने हमें बजा के दिखाया, इसको कह रहे थे तुम्बला कुछ कहते हैं, वैसे अरेबिक में तो इसको पता नहीं क्या कहते हैं, खैर मुझे नहीं पता। आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बता देना कि इसको क्या कहते हैं आपकी ज़ुबान में। क्योंकि अब हम लोग आगे जा रहे हैं दिल्ली गेट, दिल्ली गेट में आपको दिखाते हैं जाके, जो वहाँ पर भी काफ़ी एरिया था दिल्ली गेट में भी इस हीरा मंडी के नाम से। और रही बात तवायफों की कि यहाँ पर तवायफें अब मौजूद हैं या नहीं, लेकिन जो पहला तवायफें जो थी ना पहले वाली, वो तवायफें यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि उनका काम सिर्फ ये था कि तमीज़ तहजीब सिखाना और गाने गाना और रक्स करना और शेर व शायरी करना। अब जो है ये सेक्स वर्क की जगह बन चुकी है, यहाँ पर अब सेक्स वर्क भी होता है, लेकिन वो एरिया दूसरा है, वहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है, ना ही हम जाएंगे। बस हम आगे जाते हैं और आगे जाके दिखाते हैं। कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ले जी, अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं दिल्ली गेट। हम एंटर हो चुके हैं दिल्ली गेट में, जो कि दिल्ली गेट दिखने में इस तरह के का है भाई। ओए होए 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 जी, ये रहा दिल्ली गेट भाई साहब। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे न्यू चीज़ें। सबील वाली गली, सबील वाली गली दिखाते हैं। ये देख सकते हो पुराने ज़माने के घर भाई यहाँ पर। और ये देखो भाई, ये सबील वाली गली है, यहाँ पर आई थिंक रिहायशें हैं शायद, मुझे लग रहा है। और ये सारा एरिया है सारा सबील वाली गली का। जो आप ठीक हो? ठीक हो? अच्छा अच्छा जी, ये सारा है दिल्ली गेट। और ये आप देख सकते हो साइड पे इमारत, बड़ी प्यारी प्यारी इमारतें हैं। और ये ऊपर भी, और इसके नीचे सारी मार्केट है। वो जो निकाह वाली जिसे बोलते हैं वो भी अंदर ही। अच्छा जी, ये देख लें जी, गली सूरजन सिंह वाली। अच्छा जी, अब हम इसमें एंटर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये है गली सूरजन सिंह वाली, और इसमें आप घर देख सकते हो। ये रही उस्मान की बैठक। जी 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 जी, छोटे सूट सारी गली वही चल रही है। ये है मुगलों का खुआ। अच्छा जी, ये रहा मुगलों का खूह, ये आप देख सकते हो। और ये रहा वो कुआं। भाई बहुत गहरा है नीचे तक। और अब मैं आपको वो वाली गली दिखाने लगा जिसको बोलते हैं निकाह वाली गली। यानी यहाँ पर से अगर मर्द गुजरे और एक साइड से औरत, तो बीच में सिर्फ निकाह का फासला रहता है और कुछ नहीं। तो अभी हम चलते हैं इस गली में और ये गली आपको विजिट करवाते हैं। अच्छा जी, ये रही वो गली पतली सी। यानी देखे भाई, यहाँ पर एक जगह मर्द और एक जगह औरत, बीच में फासला क्या फासला रहता है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये देखो भाई गली, बाकी की बहुत पतली गली है भाई जान। हाय हाय हाय, पतली गली का विजिट। और यहाँ पर आगे भी है, बहुत लंबी है। जाने दे। ओए ओए ओए, कितनी पतली गली, सच में बहुत ही पतली गली है यार। ये देखो, ओए ओए। और यहाँ पर दी एंड नहीं, आगे भी है, बहुत लंबी है, बट हम यहाँ से वापस हो रहे हैं, काफ़ी लंबी है। जी तो जनाब, ये थे सारी हीरा मंडी जो कि मैंने आपको दिखा दी, और मैंने बताया आपको रियल में कैसी थी और अब कैसी है। और अगर अभी भी किसी के दिल में डाउट है तो वो जाके हिस्ट्री पढ़ सकता है, गूगल पे इसकी हिस्ट्री मौजूद है। खैर, मैं बहुत गर्मी में आप लोगों के लिए यहाँ पर आया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, एक्सप्लेन करवा सकूँ कि ये यहाँ पर अब क्या होता है और क्या नहीं। खैर, आपकी वीडियो कैसे लगी आपने मुझे लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है। बहुत गर्मी में यहाँ आप लोगों के लिए आया, अब आपका हक बनता है लाइक कमेंट करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।